बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू शाही फूड। आज मैं आपको इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं, केचप है, ये चंक्स आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, ये चंक्स हैं, ये ऑलिव्स हैं और ये शिमला मिर्च है और ये मैंने मोज़रेला चीज़ को श्रेड कर लिया है, ये कुटी हुई लाल मिर्च और ओरिगानो। तो इसे अब बनाते हैं, ये बहुत जल्दी बनने वाला है, आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। ये मैंने पूरे इस पे केचप लगा लिए, अब मैं इस पे ये चंक्स ये ऑलिव्स आप डाल दें जितने आपको पसंद हैं, शिमला मिर्च, ये चीज़ मैं ऊपर से डाल दूँगी, चीज़ आप इसके नीचे भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कितने आप चीज़ी खाना पसंद करते हैं। और अब मैं इस पे ये कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी मैंने डालनी है, क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी, और ये ओरिगानो मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। और अब इसे मैं आपको बताऊँगी, इसे हम तवे पे बनाएंगे। ये मैंने एक पैन लिया, तवा लिया, इसको मैंने नीचे से पहले से ही प्रीट कर लिया था फुल चूल्हे पे, और अब मैंने इसकी हीट कम कर दी है और ये मैं इस पर रखूँगी ऐसे, और ऊपर से मैं ये एक ढक्कन के साथ इसको ऐसे ढक दूँगी, और 7-8 मिनट में ये जब चीज़ पिघल जाएगी तो हमारा ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो है रेडी हो जाएगा। ये अब मैं एक और आपको बना के बताऊँगी, जिसके नीचे में चीज़ लगाऊँगी, ये केचप मैंने लगाई है, आप केचप की जगह बाज़ार में बना हुआ जो पिज़्ज़ा सॉस है वो भी डाल सकते हैं, और घर में भी आप ये पिज़्ज़ा सॉस बनती है, बहुत इजी है। ये इस तरह मैं इस पर ही रखूँगी ऑलिव, जो आपको पसंद है जो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मैं ये चीज़ डाल रही हूँ। ये कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और ये ओरिगानो, और इसे भी मैं बेक होने के लिए तवे पे रख दूंगी। ये देखिए, ये मैंने रखा, ऊपर से मैंने ये ढक्कन से कवर कर लिया है और ये मेल्ट हो रही है, चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, और जब ये चीज़ फुल मेल्ट हो जाए तो बस आप इसे निकाल लें, और हीट अपने इतनी रखनी है कि ध्यान रहे कि नीचे से ये जल ना जाए। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को अब लंच बॉक्स में दें, ये बहुत क्रिस्पी होता है और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनता है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।